हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आई एम आशीष। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। तो आज हम आपके लेके आए हैं कुछ स्पेशल। तो हम आज कवर करने वाले हैं कि ब्रुसेल्स में आके अब कौन सी चीजें हैं जो डेफिनेटली खानी चाहिए आपको और मिस नहीं करनी चाहिए जब भी आप ब्रुसेल्स आए। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके मुंह में डेफिनेटली पानी तो आ ही जाएगा। और आज के ब्लॉग को आप बोल सकते हो फूड स्पेसिफिक ब्लॉग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। स्टार्ट नाउ। इट इज स्टार्टेड। कहीं भी जाओ अपने को तो इंडियन फूड द बेस्ट है। तो हम इंडियंस की एक तो खासियत होती है, आप कहीं पे भी जाएं आपको खाना खाने का तो आई मीन फर्स्ट चीज जो हम सोचते हैं दैट इज अबाउट फूड। तो अब बेल्जियम में आप आए हो तो आपको कुछ ना कुछ ऑथेंटिक बेल्जियम तो खाना ही चाहिए। तो अभी हम आए हैं सिटी सेंटर जहाँ पे हमने आपको किंग्स हाउस दिखाया था, उसके जस्ट पास में आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मिनट की वॉक है। एंड वो यहाँ पे एक ऑथेंटिक बेल्जियन शॉप है एंड यहाँ पे हम खाएंगे समथिंग वेरी ऑथेंटिक बेल्जियम। तो अभी हमने विल वेट फॉर द फूड एंड देन वी स्टार्ट। सो मैं आपको बता दूँ बेल्जियम में होते हैं दो तरह के वेफल्स जो आपको ट्राई करने चाहिए। वन इज़ द लीगे वेफल्स। लीगे वेफल्स की खासियत ये होती है कि लीगे वेफल्स थोड़े से थिक होते हैं और ये थोड़े शुगरी भी होते हैं। तो इसमें आपको क्लियर रिकमेंडेशन है कि ये आप बिना टॉपिंग्स के ट्राई करें। तो आप इसको प्लेन ट्राई करें और ये थोड़ा सा आई से शेपलेस भी होता है, इसको इतना शेप पे ध्यान नहीं दिया जाता एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। अगर मैं दूसरे वेफल की बात करूँ तो ये होते हैं बेल्जियम वेफल्स। बेल्जियम वेफल्स बेस्ट वे है उनको खाने का कि आप उनके ऊपर टॉपिंग्स डालें, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डाली है विद द स्ट्रॉबेरी एंड सम व्हिप्ड क्रीम। और ये आपको अपने हाथों से खाना है, जैसा कि मैंने बोला इसको खाने के लिए आपको नाइफ और फॉक भी मिलेगा जो आप यूज़ करके इसको खा सकते हो। तो यही दो वेफल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे वेफल्स हैं बेल्जियम में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ट्राई करें। तो आई एम श्योर आपको हमारी ये रिकमेंडेशन अच्छी लगेगी और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा नेक्स्ट टाइम आप जब यहाँ आओगे कि आपको कौन सा ट्राई करना है। अगर मैं दोनों वेफल्स के टेस्ट की बात करूँ तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मुझे पर्सनली बेल्जियम वेफल बहुत अच्छा लगा और आशीष को लीगे वेफल बहुत अच्छा लगा। लीगे का जो है वो थोड़ा हॉट है और क्रिस्पी है तो इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है। और जो है बेल्जियम वेफल उसके ऊपर है टॉपिंग्स तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा मशी हो गया और थोड़ा सा कोल्ड भी है तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इन दोनों का जो नाम है वो पड़ा है यहाँ की सिटीज़ के ऊपर। सो बेसिकली एक का नाम है बेल्जियम ब्रुसेल्स के ऊपर, सो दिस इज़ ब्रुसेल्स वेफल एंड दिस इज़ ऑन द नेम ऑफ लीगे सिटी, सो दिस इज़ लीगे वेफल। थोड़ा सा मीठा होने के बाद अभी मन है थोड़ा सा नमकीन का एंड दैट इज नाउ टेकिंग अस टू द सेकंड फूड ऑप्शन जो आपको डेफिनेटली खाना चाहिए जब आप बेल्जियम में हो। तो अभी हम आपको वो दिखाएंगे। सेकेंड रिकमेंडेशन है, अगर आप बेल्जियम में हैं तो डेफिनेटली ट्राई करें बेल्जियम फ्राइज। मैं बता दूं ये बहुत ही थिन एंड क्रिस्पी होते हैं एंड उसके अलावा जो इनका कलर होता है वो होता है गोल्डन ब्राउन। बट उसके अलावा जब आप इनको खाते हो तो यू कैन एक्चुअली फील कि आपके माउथ में मेल्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हम क्लियरली रिकमेंड करते हैं अगर आप यहाँ पर हैं तो डेफिनेटली ट्राई करें। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है हैविंग इंडियन फूड इन ब्रुसेल्स। मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ का कल्चर बहुत ही डाइवर्स है और इंडियंस भी काफ़ी हैं तो यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत मिल जाएंगे। तो आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, पर हमने ग्रैंड पैलेस में रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम आए हैं। और अच्छी चीज़ मैं बता दूँ, इंडियंस की क्या होती है, जहाँ पर होते हैं उसी रंग में ढल जाते हैं और ऐसा आप देख सकते हो जैसे कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं। तो इनका एम्बियंस और वो सब कुछ इन्होंने यहाँ के हिसाब से किया बट स्टिल विद इंडियन टच, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो अभी हमने जस्ट ऑर्डर किया है बट ये ऑलरेडी हमें पापड़ दे चुके हैं और डिफरेंट सॉसेस दे चुके हैं, हम वो इन्जॉय करेंगे। मीन वाइल वी आर वेटिंग फॉर आवर मील टू कम। Two rice and we have chana masala, we have shahi paneer,
And you can try it. And the kia and namaste. Have a nice amazing day. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you. So Ashish ji kho chuke hain, par maine unko bola thoda sa aap sabke saath share kare. Start now. It is started. So Ashish batao aapko kya acha laga? Chole ki sabzi, paneer ki sabzi, gobhi ki sabzi, palak ki sabzi. I think सब चीज़ें, क्योंकि बेस्ट चीज़ क्या थी अभी तक हमने ये बताया, ये खाना चाहिए आपको, वो खाना चाहिए. आई थिंक ये खाने के बाद हम दोनों को सेटिस्फेक्शन होगी. एंड आई थिंक ये सुबह का, आप कहीं पे भी जाओ, कहाँ पे भी जाओ, बट जो इंडियन खाना है वो खा के जो सेटिस्फेक्शन होती है वो आपको बाकी कुछ भी खाओगे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है. एंड बेस्ट चीज़ क्या है, इन्होंने ये वेजिटेरियन ऑप्शन में सब चीज़ें दी हैं. एंड दिस गाइज हैव बीन सो नाइस. तो आई थिंक यहाँ पे आने का तो अपना ही मज़ा है इंडियन खाना खाने का. तो अभी हम इंडियन खाना खाते हैं, आपको बता सकते हैं हम कि आई मीन दिस इज टू गुड. आई मीन इस जगह की बेस्ट चीज़ ये है कि इनकी स्वीडिश इन्हें चावल की थी जो मुझे और आशीष को बहुत ज़्यादा पसंद है. और आज इसकी मुझे सीधे अपने घर की याद दिलाई है. रियली रियली नाइस. बता नहीं सकते, मुझे यकीन नहीं हो रहा है. सेंट्रल मिजोरम सिटी सेंटर एंड आई एम हैविंग दिस टेस्ट व्हिच इज डेफिनेटली रिमाइंडिंग मी ऑफ माय होम कंट्री. And I think we Indians should feel proud because we are spread all over the world. And you know, wherever we go, we get such things, and it's really nice. And I'm really proud of it today. So yeah, simply awesome. जी मैं असी तुहानू दस्या कि खाना तो बहुत ही टेस्टी सी जिवें पंजाब च हुंदा है. ते इहने जीत पाजी जिन्ना दा है कैफे, ते पाजी कुछ कहोगे साडी ऑडियंस नूं? अच्छा सारे नूं जी, जिहड़े वी भाई जी जिन्ने व्यूज बने हुए ने, ए रेस्टोरेंट रॉयल लिया है, ते सब रेस्टोरेंट दा नाड़ी ते नमस्ते इंडिया. एंड बसल दे सेंटर दे विच दो रेस्टोरेंट ने जिन्हां दे मालिक जिन्ने साडे वेटर एंड सब जिहड़े साडे शेफ ने आ, ओह सारे ही पंजाबी ने. इंडियन खान जाओगे तो इंडियन जो बंदे जिन्होंने रेस्टोरेंट है जो वर्कर्स है सब सपोर्ट हो जाती है. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਮੋਸਟ ਆਫ Recommendation is for our non-vegetarian friends. अगर आप बेल्जियम में हैं तो डेफिनेटली ट्राई करें मजल्स को. ये आप ट्राई कर सकते हैं एट शेफ लियोन रेस्टोरेंट, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड है, ऑथेंटिक है. एंड ये हमें इतने लोगों ने रिकमेंड किया है, हमारे इतने फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया है, तो हमें लगा हमें आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए. वी आर गिविंग अ स्किप बींग अ वेजिटेरियन, बट वी हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई इट इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन.